कोरोना कहर के बीच वस्त्र नगरी भिलवाड़ा में व्यवस्थाएं चरमराने लगी है। उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच भुगतान को लेकर विवाद सामने आने लगा है। ऐसा ही एक मामला आया है भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग स्थित संगम इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सामने आया है। मार्च और अप्रैल के भुगतान को लेकर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और खदेड़ा। वहीं श्रमिकों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वे काम शुरू नहीं करेंगे। एक्चुअली फैक्ट्री हमने चलाई थी ये देखते हुए कि कुछ लोग बाहर के हैं और परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रोसेस हाउस में अभी ना कपड़ा आ रहा है ना जा रहा है ना पैसे आ रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या देखते हुए हमने एक प्लांट चालू किया कि भाई इनकी रोजी रोटी चालू हो जैसे तैसे व्यवस्था करके। तो फिर इनको एक फर्स्ट इंस्टांस में कुछ लोगों को अपने 2600 रुपये दिए, आगे चैनल वाइज हम दे रहे हैं जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं। आज और देने थे, कल और देने थे, इस तरह से जो लोग मार्च के अंदर ड्यूटी आए उनको सबको हमारे को एक बार उनका गुजारा भत्ता हो जाए, घर का खर्च चल जाए, उतना पैसा कि भाई इनको एक बार दिया जाए। ऐसा है कि ये सब मजदूर भाई जितने भी लोग हैं जो ड्यूटी आ रहे हैं, इनको क्या है कि पिछले महीने जो पूरा महीना बंद रही उसमें लॉकडाउन में पैसा किसी को नहीं मिला। सब लोगों ने इधर उधर से करके, बेचारे सब लोग गरीब हैं, हम लोग हमारे मकान किराए से रह रहे हैं, पैसे नहीं है, मजदूर लोग हैं, खाने के पैसे नहीं थे, फिर भी इन्होंने पैसे नहीं डाले। आज जब लोग काम पे आने लगे तो इन्होंने ये मांग रखी हमको सबको पैसा चाहिए। जब बंद थी पैसा नहीं दिया, अब चालू कर दी तो पैसा तो चाहिए ना सर, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास खाने के लिए, मतलब लाले पड़ रहे हैं। तो अभी सब लोगों ने, मजदूरों ने एक यूनियन बना करके, ये संगठन करके ये मांग रखी है कि हमको सबको पिछले महीने जो बंद थी वो 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए और लिखित में चाहिए कि कब पैसा डालेंगे। यहाँ पे परदेश से लोग आकर के रह रहे हैं, उनको